व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सीवी एडिटिंग सिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को स्नैपसीड ऐप का यूज करके ना कुछ इस टाइप की सीवी एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना होगा, और कर लेने के बाद इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो सिंपल से आपको जिस भी फ़ोटो को एडिट करना होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि गाइज, मुझे इस वाली फ़ोटो को एडिट करना है, तो मैं इस वाली फ़ोटो को अपने स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लिया हूँ। और सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फ़ोटो का ना सबसे पहले हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड चेंज करना बेहद ज़्यादा सिंपल है। तो उसके लिए इस पेंसिल वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, और आप लोगों को सिंपल से नीचे आना होगा। और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डबल एक्सपोजर के ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा, प्लस वाले आइकन, और यहाँ से इस बैकग्राउंड को ले लेंगे हम लोग। और लेने के बाद इसकी ओपेसिटी वाले आइकन पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को हम लोग 100 कर देंगे, और सिंपल से यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। और राइट क्लिक कर लेने के बाद ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पर क्लिक करना होगा, व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। सो गाइस, ब्रश को लेने के बाद ना आपका यहाँ से साइज जो है 100 हो जाएगा। तो सिंपल से आपको अपनी बैकग्राउंड पे इसे कुछ इस टाइप से ऐसे ड्रॉ कर देना होगा, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको पहले साइड साइड से ड्रॉ कर लेना होगा, उसके बाद अपनी फ़ोटो को ऐसे आपको जूम करना होगा। यहाँ दोस्तों, जूम कर लेने के बाद आपको अपनी बॉडी को छोड़ के ना कुछ इस टाइप से ऐसे एरेज करना होगा। तो मैं फटाफट से इरेज कर लेता हूँ। सो गाइज, देखिए हम लोगों ने अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी फ़ोटो और बैकग्राउंड को मर्ज करने वाले हैं, जैसे कि मालूम ना चले कि ये बैकग्राउंड जो है अलग से ऐड हुआ है। तो उसको करने के लिए साइज को यहाँ से आपको 0 कर लेना होगा। ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, और कर लेने के बाद सिंपल से अपनी फ़ोटो को ऐसे छोटा करके और नीचे साइड से आपको कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज करना, हल्का हल्के हाथों से कुछ इस टाइप से आपको इरेज करना होगा। देख सकते हैं गाइज, कितना अच्छे तरीके से हम लोगों का बैकग्राउंड और जो है सड़क कितना अच्छे से मर्ज हो चुका है। और मर्ज हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना सटीक तरीके से हुआ है। और ये ट्रिक आप भी फॉलो करिएगा, और कर लेने के बाद सिंपल से राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। और जैसे ही आप बैक होंगे ना, आपकी पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी बैकग्राउंड और अपने कपड़े में चमक डालने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए इस पेंसिल वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, और आप लोगों को सिंपल से ऊपर आना होगा। और ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक HDR स्कोप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक कर लेने के बाद आपको सिंपल से ना यहाँ से देख सकते हैं कितना औसम तरीके से हो चुका है जो हम लोगों का है, बैकग्राउंड भी और फ़ोटो भी। तो थोड़ा सा ऐसे नीचे आएंगे, इसकी सैचुएशन को हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे हल्का सा, लगभग हम लोग 15 कर लेंगे, प्लस 15। और इसकी ब्राइटनेस को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे, -5। और ये सेटिंग आप लोग भी रख लीजिएगा, और रख लेने के बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, आप लोग देखिए HDR जो है, HDR स्पेक्ट डालने पे हम लोग की पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी फेस पे थोड़ा सा ना ब्राइटनेस को बढ़ाने वाले हैं। तो उसको करने के लिए सिंपल से इस पेंसिल वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे एक सेलेक्ट टू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको हम लोग ले लेंगे और अपनी फेस पे ऐसे कुछ इस टाइप से लगाएंगे, और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देंगे, और नीचे आके इसकी सेचुएशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, और अगेन इसी वाले आइकन पर क्लिक करके अपने लेग पर लगा लेंगे, और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे और सेचुएशन को डिक्रीज। और जहाँ जहाँ पे आपका स्किन ब्लैक है, सेम यही प्रोसेस आप कर लीजिएगा। और कर लेने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, आपकी पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टेस्ट PNG को, यानी एक टेस्ट को लिखने वाले हैं।
तो उसको लिखने के लिए इस पेंसिल वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे और सिंपल से आपको ऐसे नीचे जाना होगा और यहाँ पे एक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस क्लिक कर लेने के बाद ना सिंपल से आपको यहाँ से डबल टैप कर देना होगा। तो यहाँ पे डबल टैप करके आपको यहाँ से पूरा बैक हो जाना होगा और बैक हो जाने के बाद सिंपल से आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, तो सिंपल से यहाँ से आप लोगों को टाइप कर देना होगा किंग लुक। सो गाइस ऐसे टाइप कर देने के बाद सिंपल से आपको ओके क्लिक कर देना होगा और यहाँ नीचे साइड में थ्री ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो लास्ट वाले पे क्लिक करके ना आपको ऐसे स्क्रॉल करके इधर आना होगा और आ जाने के बाद यहाँ पे M3 का एक फॉन्ट मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। सो गाइस क्लिक कर लेने के बाद इसे हम लोग कुछ इस टाइप से छोटा करके ना साइड में इस टाइप से लगा देंगे और लगा देने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करके, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम लोग फेस पे और लाइट देने वाले हैं, तो उसको देने के लिए इस पेंसिल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्मूथ टू को सिलेक्ट कर लेगा, और कर लेने के बाद ना इसकी पहले नंबर को हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा, सॉरी गाइस पहले नंबर को हम लोग थोड़ा सा ये इंक्रीज करेंगे, और इतना कर लेने के बाद सिंपल से राइट क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगी जो देखने में काफ़ी औसम सी लग रही है। सो गाइस देखा आप लोगों ने कितना सिंपल स्टेप में हम लोग यूज करके ना अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से सीवी एडिटिंग कर लिए हैं। तो फोटो को सेव करने के लिए इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट क्लिक कर देंगे और हम लोगों की ये वाली फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी।